दावा करता हूं कि मेयर की सीट कांग्रेस की सीट होने वाली है, जनता की सीट होने वाली। मुझे लगता है कि देश और गर्त में ही जा रहा है। हम काला धन लेकर के आएंगे, लेकिन काला धन लेकर के नहीं आए। कांग्रेस के लोगों ने जनता का खून चूसने के अलावा, जनता को परेशान और त्रस्त करने के अलावा कोई काम नहीं किया। न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। ये नेताओं की जो कुर्सी पर बैठे हैं वो कुर्सी खतरे में। आपको गिनवाने पड़ेंगे कि आपने 10 साल में क्या किया। हिंदू मुस्लिम की, मंदिर मस्जिद की राजनीति। आप कांग्रेसी भी हैं और हिंदू भी। चाहे वो सिलेंडर का दाम ले लीजिए, दाल का दाम ले लीजिए, तेल का दाम ले लीजिए, पेट्रोल का दाम ले लीजिए, हर तरीके से दाम हमेशा बढ़ ही रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, हमारे नए कार्यक्रम कार में सरकार का आज नवा एपिसोड है और इस नवे एपिसोड में हमारे जो खास मेहमान हैं वो काशीपुर के एक युवा नेता हैं। काशीपुर राधे हरि स्नातकोत्तर महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं, साथ ही साथ अभी काशीपुर युवा कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष के पद पर आसीन है। युवा कांग्रेस नेता राहुल रमनदीप काम्बोज आज हमारे साथ हैं। आइए इनका स्वागत किया जाए और बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाए। राहुल भाई, सबसे पहले ये बताइए कि कैसे हैं आप, क्या हालचाल? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं हिमांशु भाई? जी मैं बहुत बढ़िया हूँ। आइए बातचीत का हम सिलसिला शुरू करें, खूब सारी बातचीत राजनीति पर करें। उससे पहले मेरा यही सवाल है कि अब से पहले इस प्रकार से, इस अंदाज में, कार में सवार होकर ऐसे सड़कों पर कोई इंटरव्यू फेस किया है? नहीं, ऐसा कोई इंटरव्यू पहले कभी फेस नहीं किया, फर्स्ट टाइम है मेरा। और आपको इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, युवा सोच के साथ, नई सोच के साथ आप आए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, राहुल रमनदीप काम्बोज को यूं काशीपुर के जो तमाम युवा हैं और जो खास तौर पर छात्र राजनीति से जुड़े युवा हैं वो जरूर जानते होंगे, लेकिन तमाम ऐसे भी लोग हैं जो नहीं जानते राहुल रमनदीप काम्बोज को और उनके राजनीतिक सफर को, तो जरा उनके लिए अपने राजनीतिक सफर पर थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास कीजिए। किस प्रकार का रहा? देखिए, 2012 में महानगर सचिव रहा NSUI का, 2014 में इलेक्टेड महानगर अध्यक्ष रहा NSUI का, उसके रहते मैं कॉलेज का इलेक्शन लड़ा। कॉलेज का इलेक्शन सन 2016 में मैं छात्र संघ अध्यक्ष रहा, राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय। मोदी जी कहते हैं कि देश को हम विश्वगुरु बनाएंगे अगले सन 2047 से पहले पहले, इस बात से कोई इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, 2047 से पहले पहले वो क्या बनाएंगे इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं मुझे लगता है कि देश और गर्त में ही जा रहा है। आप देखिए, जिस तरीके से अग्निवीर योजना है, जिस तरीके से अंकिता भंडारी हत्याकांड है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम काला धन लेकर के आएंगे, लेकिन काला धन लेकर के नहीं आए, 15-15 लाख रुपए देंगे, कल 15-15 लाख रुपए उन्होंने किसी को नहीं दिए। जिस तरीके से उनकी राजनीति है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की, मंदिर मस्जिद की राजनीति है, उनकी राजनीति एक सदी हुई। जो वो काम कर रहे हैं वो अपने काम गिनवा ही नहीं रहे हैं। लेकिन मोदी जी और उनके समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग हमेशा इस बात को खूब चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, हमारे 10 साल जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के 70 साल पर भारी हैं। 70 साल पर भारी कैसे हो सकते हैं? आपको गिनवाने पड़ेंगे कि आपने 10 साल में क्या किया। आप मान लीजिए कि हमारे काशीपुर में राधे हरि डिग्री कॉलेज है, या फिर हमारा पॉलिटेक्निक है, या फिर हमारा सरकारी अस्पताल है, या फिर कोई भी ऐसी भी चीज़ जो जो यहाँ पर बीजेपी ने बनाई हो। क्या ये जो काशीपुर में एक पुल बनाया इन्होंने, फ्लाईओवर बनाया, 7 साल में पुल बनाया, तो ये इनकी उपलब्धि है? और उसमें भी अभी दरारें आने लगी, ये उपलब्धि है इनकी? 7 साल लग रहे हैं, जबकि यहाँ पे मेयर उनके 10 साल से मेयर उनके हैं, विधायक 20 साल से हैं, और 10 साल से इनके कंटिन्यू सांसद हैं, और उसके बाद राज्य में सरकार है और केंद्र में सरकार इनकी है, सब जगह सरकार है इनकी, उसके बावजूद 7 साल लग रहे हैं एक फ्लाईओवर में। मैं आपसे अगर पूछना चाहूं कि भाई ऐसे 5 कारण बता दीजिए कि जनता, भारतीय जनता पार्टी को इन 5 कारणों की वजह से भूल कर भी वोट ना करे और इन 5 कारणों की वजह से कांग्रेस को डेफिनेटली वोट करे, बता सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, पहला तो उन्होंने बोला था कि हम काला धन लेकर के आएंगे, लेकिन नहीं लेकर के आए। उस काले धन को वो 15-15 लाख रुपए प्रत्येक परिवार में बांटना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, काला धन लेकर आ ही नहीं पाए। दूसरा, आप ये समझिए कि 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक वर्ष देंगे, लेकिन प्रत्येक वर्ष वो 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पाए। महंगाई, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, अब चाहे वो सिलेंडर का दाम ले लीजिए, दाल का दाम ले लीजिए, तेल का दाम ले लीजिए, पेट्रोल का दाम ले लीजिए, हर तरीके से दाम हमेशा बढ़ ही रहे हैं उनके कार्यकाल में। तो ये किस तरीके से देश को आगे पहुंचाना चाह रहे हैं? ये देश को आगे पहुंचा रहे हैं या पीछे पहुंचा रहे हैं? इन्होंने अपना कौन सा वादा पूरा करा है, या ऐसी कौन सी चीज़ करी है, ऐसा कौन सा कार्य किया है जिसमें अपने कार्य के ऊपर वो वोट मांग रहे हैं?
अपने कार्यक्रम पर एक भी बार उन्होंने वोट मांगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति अभी तक केंद्र की सरकार कर रही है। अच्छा एक बात ये बताइए कि खूब इस तरीके की हवा चलती है, आप कांग्रेसी भी हैं और हिंदू भी हैं, तमाम इस तरीके की हवा चलती हुई आप भी देखते होंगे कि कोई चिल्ला रहा है कि भैया देश में हिंदू खतरे में है, कोई चिल्ला रहा है कि भैया देश में मुसलमान खतरे में है, कोई चिल्ला रहा है संविधान खतरे में है, कोई चिल्ला रहा है ईमान खतरे में है, कोई कह रहा है कि भाई पूरा का पूरा देश ही खतरे में है। ऐसे में आपको क्या लगता है भाई देश में कौन खतरे में है, और अगर खतरे में है तो क्यों खतरे में? इनके पार्टी के नेता ये बोल रहे हैं कि संविधान यदि 400 सीटें हमारी आएंगी या 400 सीटें हमें इसलिए दे दीजिए क्योंकि हम संविधान में परिवर्तन करना चाहते हैं। अभी हम तो नहीं बोल रहे हैं, ये बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, तो अब ये बताइए कि संविधान खतरे में है या नहीं है। दूसरी बात, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, ये नेताओं की जो कुर्सी पर बैठे हैं वो कुर्सी खतरे में है। बात हम अपने शहर, अपने प्यारे शहर काशीपुर की करना चाहेंगे। काशीपुर में सबसे पहले तो ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी के क्या हालचाल? कांग्रेस पार्टी के बहुत अच्छे हालचाल हैं, अच्छा कार्य कर रही है, सड़कों पर उतरी हुई है। जनता कह रही है कि कांग्रेस पार्टी अब विपक्ष की भूमिका को भी नहीं निभा पा रही, पता नहीं कहाँ बिल में दुबकी हुई। आप एक बात बताइए, अभी आपने हमारी युवा कांग्रेस ने मशाल यात्रा करी थी, आपने देखी होगी, वो अंकिता भंडारी का मुद्दा था, अग्निवीर का मुद्दा था, उसको लेकर सड़कों पर उतरे। क्या काशीपुर में पहले कभी मशाल यात्रा हुई है? हमने युवा कांग्रेस ने पहली बार करी, उसमें 200-250 लोगों ने आकर के उसमें हिस्सा लिया, तो क्या रोडों पर नहीं है? हम इन मुद्दों को लेकर, उत्तराखंड के जो ज्वलनशील मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के हम रोड पर हैं। हम प्रत्येक वार्ड में अपनी टीम बना रहे हैं, कोई भी मुद्दा होता है तो उसको उठाने में पूरा एकजुट होकर के उसको उठाते हैं, तो और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी एकजुट होगी? निकाय चुनाव को लेकर के कांग्रेस तैयार है इस बार कह सकते हैं, बिल्कुल दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं, बिल्कुल दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि निकाय चुनाव के लिए इस बार हम तैयार हैं, और इस बार मैं दावा करता हूं कि मेयर की सीट कांग्रेस की सीट होने वाली है, जनता की सीट होने वाली है। दावा तो पुराना हो गया यार, दावा तो हर बार बड़े बड़े नेता, वरिष्ठ नेता, आपके तमाम जो बड़े बड़े मंत्री रह चुके हैं वो भी करते हैं, और खाली दावा फुस हो जाता। देखिए दावा सब करते हैं, लेकिन काम करना पड़ता है, उसके लिए रोडों पर उतरना पड़ता है, सारे मुद्दे उठाने पड़ते हैं, लोगों के बीच में जाना पड़ता है, और कांग्रेस पार्टी उन सभी मुद्दों को लेकर के रोडों पर उतरी हुई है। इस मुद्दे के दावे के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि काशीपुर में इस बार मेयर कांग्रेस पार्टी का आने वाला है, जनता का मेयर आने वाला है, जनता का मेयर आने वाला है, कांग्रेस पार्टी का मेयर आने वाला है। लेकिन भाजपा ही पता है क्या कह रहे हैं कि ये कांग्रेसी जो दावा कर रहे हैं ना, इनको दावा करने दो, सपने देखने दो, खूब उड़ाने भरने दो, क्योंकि भैया इनके जो सपने हैं वो मुंगेरी लाल वाले हसीन सपने। मुंगेरी लाल के सपने तो उन लोगों के हैं जो अभी तक उन लोगों को सीट से नहीं उतार पाए या टिकट देने से नहीं रोक पाए जो उस सीट के काबिल ही नहीं है। तो मुंगेरी लाल के सपने हमारे हैं या उनके हैं ये तो उनको तय करना पड़ेगा। काशीपुर में कांग्रेस पार्टी का जब शासन हुआ करता था तो कांग्रेस के लोगों ने जनता का खून चूसने के अलावा, जनता को परेशान और त्रस्त करने के अलावा कोई काम नहीं किया। अगर काम किया है तो गिनाइए। आप एक बात बताइए, IIM, राधेहरी डिग्री कॉलेज हो, या फिर हमारा सरकारी अस्पताल हो, या फिर पॉलिटेक्निक हो, या फिर जितने भी हमारे बने हुए हैं सारे चीज़ें, तो ये कांग्रेस की सरकार में ही तो बनी है। क्या अगर ये काम करना, खून चूसना है, तो ये बीजेपी जो 10 साल से 15 साल से 20 साल से काम ही नहीं कर पा रही है, पता ही नहीं चलता काशीपुर में कि रोड है गड्ढे में, रोड है कि रोड में गड्ढा है, ये पता ही नहीं चलता। तो ये आप मुझे बताइए कि बीजेपी सरकार ठीक काम कर पा रही है या कांग्रेस ने खून चूसने का काम किया है? काशीपुर कांग्रेस पार्टी गुटबाजी के चक्कर में, जो आपसी और आंतरिक गुटबाजी है उसके चक्कर में आपस में ही लड़ने में इतनी ज्यादा व्यस्त है कि चुनाव लड़ना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। ऐसी भी कुछ बातें चलती हैं, हवा चलती है ऐसी, इस हवा पर क्या कहेंगे? देखिए ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारी अगेंस्ट पार्टी है वही सिर्फ ऐसा कह सकती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारे कांग्रेस पार्टी में ऐसी कोई गुटबाजी नहीं है। अभी फिलहाल सभी लोग साथ में मिलकर हर प्रोग्राम में चल रहे हैं, चुनाव भी खूब लड़ रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण है कि भाई जनता अब नहीं चुनना चाह रही, जनता पूछ नहीं रही है? बीते कई चुनावों की अगर हम बात कर लें तो भैया मौका नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो यहाँ के प्रतिनिधि है वो अपने नाम पर वोट मांग ही कहाँ रहे हैं, वो तो केंद्र के नाम पर वोट मांग रहे हैं, मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, और उनको मिल रहे हैं मोदी जी के नाम पर वोट उनको मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है मोदी जी? इसका मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। यदि एक असली नेता है तो वो अपने नाम पर वोट मांगेगा, अपने कामों के नाम पर वोट मांगेगा, धर्म की राजनीति करके, हिंदू मुस्लिम करके ये वोट बैंक अपनी तरफ करना, ये एक
राजनीति मैं अच्छी नहीं मानता। प्रत्येक वार्ड में जलभराव की समस्या है। जितने नए वार्ड बने हैं उनमें अभी तक रोडें 100% नहीं बनी है। 100% क्या, मैं मानता हूँ कि 60% भी अभी तक रोड नहीं बनी है। कूड़े की समस्या है, रोड पर कूड़ा पड़ा रहता है, और ऐसी ही स्थिति मुंशीराम चौराहे की है। ऐसी ही स्थिति शहर में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर कूड़ा अभी भी पड़ा रहता है। क्या कारण है कि वहाँ से कूड़ा अभी तक ये हटाने में असफल है? इसके लिए मैंने मेयर साहिबा को एक पत्र भी लिखा था, उन्होंने फॉरवर्ड भी करा था, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ से कूड़ा नहीं हट पाया। मेयर साहिबा को आपने पत्र भी लिखा और आपने ये भी कह दिया कि उन्होंने फॉरवर्ड भी करा था, उसके बावजूद भी काम नहीं हुआ, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि भाई मेयर साहिबा की भी नहीं सुनी जा रही हो, या फिर उन्होंने खाली साइन करके आगे ही बढ़ा दिया, उसके ऊपर आगे कोई संज्ञान लिया नहीं। अगर उसके ऊपर लगते तो हो सकता था उसका हल निकल जाता, या तो उन्होंने ऐसे ही समझ के कि कोई पत्र आया, ठीक है, अपने ऑफिस में भेज दिया। अच्छा, सुनने में ये खबर भी आ रही है इस बार कि राहुल रमनदीप कांबोज इस बार कांग्रेस पार्टी से ओबीसी सीट होने पर काशीपुर मेयर पद के लिए टिकट मांग रहे हैं, सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है, मैंने आवेदन किया है, ओबीसी सीट यदि आती है तो बिल्कुल हम एक मेयर पद के प्रत्याशी हैं। लेकिन भाई जनता भी तो ये जानना चाह रही है कि राहुल रमनदीप कांबोज जो अब तक सक्रिय राजनीति में रह करके एक पार्षद तक नहीं बन पाए, आखिर कांग्रेस पार्टी, देश की इतनी बड़ी पार्टी, आपको काशीपुर का मेयर का पद का जो टिकट है वो कैसे दे देगी, किस आधार पे दे देगी? हमारे वार्ड में बीजेपी का कोई प्रत्याशी नहीं, कांग्रेस के प्रत्याशी जो थे वो तीसरे नंबर पर रहे, मैं निर्दलीय प्रत्याशी था, मैं दूसरे नंबर पर रहा, 30-40 वोटों का हेर फेर रहा, मेरे अगेंस्ट जो जीते वो भी निर्दलीय प्रत्याशी रहे। जिस वार्ड में जो हमारी राष्ट्रीय पार्टियां हैं एक भाग ही नहीं ले रही है, एक भाग ले रही हैं, तो अभी मैं उसी पार्टी में हूँ, वो तीसरे नंबर पर रही, तो आप ये समझिए कि मैं अपना मनोबल घटाऊँ या बढ़ाऊँ? मतलब आपके हिसाब से तो आपको मनोबल बढ़ाना चाहिए और आप बढ़ा करके भी घूम रहे हैं। बिल्कुल, मुझे मनोबल बढ़ाना चाहिए, मनोबल नहीं बढ़ाएंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? उम्र कम है वो ठीक है, 31 साल उम्र है, इतनी भी कम उम्र नहीं है, ठीक है, और संविधान हमें बोलता है कि आप किसी भी सीट पर कभी भी आवेदन कर सकते हैं यदि आपकी उम्र है तो। दावेदारी तक की बात अगर राहुल कांबोज सोच चुके हैं तो इसका मतलब कुछ विजन भी जरूर बनाया होगा, कुछ सोचा भी जरूर होगा कि भाई अगर भविष्य में बाई चांस मुझे मौका मिल जाता है तो मैं काशीपुर के लिए ये काम कर सकता हूँ, क्या कुछ विजन है? थोड़ा सा विजन पे भी प्रकाश डाल। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता भी चुका हूँ, जिस तरीके से जलभराव की समस्या है जो इतने सालों से सारी सरकार होने के बावजूद भी नहीं हट पा रही है, वो हमारा एक रहेगा कि हम उस पर किस तरीके से उस पर अपना कदम बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से उस समस्या को ख़त्म कर सकते हैं। बाकी जितने नए वार्ड बने हैं उन नए वार्डों में जो रोड्स हैं उन रोड्स को बनाने की प्रक्रिया चालू करनी है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो नए वार्ड्स में हैं और उनकी रोडें अभी नहीं बनी हैं। और भी कूड़ा करकट की समस्या, जैसे मैंने आपको बताई भी, कूड़ा करकट की समस्या है, स्ट्रीट लाइट्स की समस्या है, बहुत बहुत जगह भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं भी हैं, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। उन सारी समस्याओं को जब बनेंगे तभी उसके बाद कर पाएंगे, बाकी ये है कि हम लगे हुए हैं ग्राउंड पे। धामी सरकार, हमारी उत्तराखंड की धामी सरकार, उत्तराखंड में पलायन, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे पर बीते काफी समय से ताबड़तोड़ काम कर रही है, युवाओं का भविष्य संवारने के लिए काफी समय से ताबड़तोड़ काम कर रही है। मैं आपसे पहले भी मैंने आपको बताया है कि उत्तराखंड ऐसा प्रदेश है जिसमें यहाँ का युवा फौज में जाना चाहता है, 4 साल 5 साल 6 साल मेहनत करता है, रोड पे अपने आप को घिसता है, पसीना बहाता है, भागता है, दौड़ता है, उसके बाद वो सोचता है कि मैं फौज में जाऊं, और उसके बाद वो 5 साल 6 साल मेहनत करने के बाद उसको ये पता चलता है कि 4 साल सिर्फ नौकरी आपको दी जाएगी। तो ये कितना आप समझते हैं कि युवाओं के लिए वो ठीक कर रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता कि ये किसी तरीके से ठीक काम किया जा रहा है, युवाओं को ठगने का काम ये सरकार कर रही है। धन्यवाद। तो साथियों, आपने सुना काशीपुर के युवा कांग्रेस नेता राहुल रमनदीप कांबोज को, जो कि युवा कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष भी हैं और अब कहीं ना कहीं सपना देख रहे हैं कि यदि पार्टी ने और काशीपुर की जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं भी काशीपुर का महापौर बनूंगा और काशीपुर में ऐसे ऐसे काम करके दिखाऊंगा जो आज तक काशीपुर के नेताओं और काशीपुर के जनता ने, जनता जनार्दन ने, जिनकी कल्पना भी नहीं की होगी। अब ऐसे में राहुल कांबोज के तमाम वक्तव्यों से, तमाम बातों से, तमाम बयानों से आप लोग कितने सहमत हैं या फिर सहमत नहीं हैं, कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।